हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने ग्लिटर शीट से बनाई है। ये मैंने रानी कलर की ग्लिटर शीट ली है। इसके ऊपर मैंने तीन साइज की पत्तियां काट के चिपकाई हैं और उनके ऊपर ये मैंने वाइट कलर के स्टोन चिपकाए हैं। इस ड्रेस की मैंने ये ओपन चोली बनाई है। इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी। चलो हम अभी से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये रानी कलर की ग्लिटर शीट का पीस लेते हैं। ये पीस मैंने 5.5 इंच का राउंड काटा है मैंने, और सेंटर से मैं इसे वही अपने 1 इंच या 1.25 इंच के करीब का सेंटर का 1.5 इंच का ये मैंने गोला काटा है। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसे मैं सेंटर में से यहाँ से कट कर लेती हूँ, उसे और सेंटर में से इसे काट लेती हूँ। इस तरह हमारा ये बेस बन जाता है। अब ऊपर लगाने के लिए हम पत्तियों की शेप काटते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पेपर लेती हूँ, इस पेपर के ऊपर एक पत्ती की शेप बना लेती हूँ। इसे मैं काट लेती हूँ। खोलते हैं तो हमारी पत्ती की शेप बन जाती है। इसको अब हम एक ग्लिटर शीट के ऊपर ट्रेस कर, इसे मैं ग्लिटर शीट पे ट्रेस कर लेती हूँ। इसे हम काट लेते हैं। इस तरह की हम 8 पत्तियाँ काट लेते हैं। मैंने इसकी 8 पत्तियाँ काट ली। बीस वाली पत्ती को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह ट्रेस करके। इसे भी कट कर लेते हैं। इस साइज की भी हम 7 पत्तियाँ काट लेते हैं। इसे भी हम ट्रेस कर लेते हैं। इसे भी कट कर, इस साइज की भी हम 7 पत्तियां काट लेते हैं। साइज की भी हमारी 7 पत्तियां हो गई। जो हमारी पत्ती है इसे एक छोटा पीस और काटेंगे। ये छोटा पीस हमारा ये हो गया। इस साइज की भी हम अब 6 पत्तियां काट लेते हैं। इसे भी हम प्रेस कर लेते हैं। इसकी भी हम 6 पत्तियां काट लेते हैं। तो कुल हमारी ये 6 पत्तियां इसकी हुई। 6 पत्तियां तो हमारे सबसे छोटे साइज की हो जाती हैं, 7 उससे ज़्यादा, 8 सबसे बड़ी। इस तरह हमारी ये 3 साइज की पत्तियाँ काट लेते हैं। अब इन पत्तियों को हम ग्लू गन की हेल्प से इस पर हम चिपका लेते हैं। इसको हम हाफ करते हैं, इस तरह 4 फोल्ड कर लेते हैं। इस कोने पे भी हम चौक से निशान लगा लेते हैं और इन दोनों कोने पे भी हम चौक से निशान लगा लेते हैं, जो हमारी पत्तियाँ आराम से लग जाती हैं। मैं पहली पत्तियाँ लगाती हूँ। पहली पत्ती मैंने यहाँ लगाई। दूसरी पत्ती हम, हमारा निशान यहाँ तक है, दूसरी पत्ती हमारी थोड़ी इसके ऊपर आ जाती है। इस तरह दूसरी पत्ती लगा देते हैं। इस तरह हम सभी पत्तियाँ लगा लेते हैं।
तो हमारी फर्स्ट रो लग जाती है। अब सेकंड रो लगा देते हैं हम, सेकंड रो इन दोनों के बीच में लगेगी। तो ये वाली पत्ती हम यहाँ लगाते हैं। जो सातवीं पत्ती हम लगाते हैं जो आधी पे लगाते हैं, इधर की तरफ हम ग्लूगन नहीं लगाते, जिससे हमारे खुला हुआ हिस्सा खुला रह जाता है। इस तरह ये हमारा इस तरह खुला रह जाएगा। तो आधी पे लगती है, आधी पे लगती है, आधी पे नहीं लगाते। अब हम अपनी तीसरी रो भी लगा देते हैं। इससे हमारा घेरा पूरा हो जाता है। अब हम चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने ये एक पेपर लिया है। ये पेपर मैंने 5.5 इंच लंबा लिया है और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस पेपर को मैं अब हाफ फोल्ड करती हूँ। हाफ फोल्ड करने के बाद इसे एक फोल्ड और करती हूँ। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हम चोली को ट्रेस कर लेते हैं। चोली को ट्रेस करने के लिए नीचे से लगभग 1/2 इंच पे मैं 1 इंच के करीब इसे छोड़ देती हूँ। यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। 1 इंच के करीब छोड़ने के बाद 1/2 इंच के ऊपर निशान लगा लेती हूँ और ऊपर भी हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो ये सेंटर में तो हम इसका इस तरह गला काट देते हैं और यहाँ पर इस तरह हम इसकी बाजू निकाल लेते हैं। इसको इस तरह तिरछा निशान लगा लेते हैं। इसको मैं अब ये कट कर लेती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली बन जाती है। इसको एक तरफ से पीछे की तरफ से हम एक तरफ इसको पीछे की तरफ से इस तरह हम कट कर लेते हैं। अब इसे हम ग्लिटर शीट के ऊपर प्रेस कर, ये मैंने ग्लिटर शीट के ऊपर चोली को ट्रेस कर लिए। आगे का गला हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काट लेते हैं। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली बन जाती है। चोली के यहाँ पे हम ग्लू गन से रिबन को अटैच कर लेते हैं। ये मेरे पास रानी कलर का रिबन तो है नहीं, ये रेड कलर का रिबन है जो मैं चोली पे आगे की तरफ यहाँ पे ग्लू गन से चिपका देती हूँ। इस तरह हमारी ये चोली भी बन जाती है। हमारा घेरा भी तैयार हो गया, हमारी चोली भी। ये चोली हम ओपन रखते हैं, घेरे पे नहीं अटैच करते। अब जहाँ जहाँ हमारी पत्तियों की ये आगे का हिस्सा है, यहाँ सभी जगह हम वाइट कलर के स्टोन लगाते हैं। इस तरह के हम ये वाइट कलर के छोटे स्टोन हैं जो सभी जगह लगा देते हैं। ये हम फेविकोल की हेल्प से लगाते हैं। ये हमारी पत्तियों की जो आगे का हिस्सा है यहाँ पर हम लगाते हैं। इस तरह हम छोटी पत्ती पे भी लगा लेंगे। अब
छोटा। इस तरह हम सभी पत्तियों पे लगा लेंगे और इसी तरह हम चोली पे भी लगा लेते हैं। इस तरह लगाते हुए हम पूरी चोली पे लगा लेंगे और सभी पत्तियों पे लगाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लाते हैं। अब अपने सभी जगह स्टोन लगा लिए, हमारे पूरे घेरे पे भी सभी पत्तियों पे अपने स्टोन लगा लिए और हमारी चोली पे पीछे एक साइड जो हमने कट किया था उस हिस्से को छोड़ देते हैं, सभी जगह में स्टोन लगा लेते हैं। दोनों बाजुओं के ऊपर मैंने एक एक स्टोन लगाया, आगे की तरफ मैंने एक छोटा सा फूल बनाया। इस तरह हमारी ये चोली भी कंप्लीट हो जाती है। ये हमारी ओपन चोली रहती है। इस तरह हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।